नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने लश्कर के 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। उनके कब्जे से 1,00,000 रुपए, 12 AK-47 राउंड और एक ग्रेनेड भी मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को पंजाब का घी, राजस्थान का हाथ से बनाया हुआ सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, महाराष्ट्र का गुड़, उत्तराखंड का चावल, तमिलनाडु का तेल, कर्नाटक के मैसूर का चंदन का टुकड़ा, पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरी द्वारा हस्तनिर्मित चांदी का नारियल, गुजरात का नमक और भगवान गणेश की मूर्ति के साथ दीपक उपहार में दिए। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून यानी कल विपक्षी पार्टियों का जमघट लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों के नेता बैठक करेंगे, जिसमें 2024 में बीजेपी को कैसे घेरे इस पर चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव सहित करीब 18 विपक्षी दलों के नेता शिरकत करेंगे। छोटे पर्दे का मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर आसिफ मोदी पिछले काफी वक्त से कानूनी पचड़े में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने अब उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की है। अमेजोन ने हाल ही में एक फीचर शुरू किया है, जिसके तहत लोग 2000 के नोट से शॉपिंग कर सकते हैं। नोटों को आसानी से खर्च करने के लिए ई कॉमर्स अमेजोन ने अमेजन पे कैश लोड सिस्टम शुरू किया है। कांग्रेस में पुराने पेंशन स्कीम को चुनावी मुद्दा बनाने के बाद अब केंद्र सरकार भी इस मामले में हरकत में नजर आती दिख रही है। पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक तौर पर ही सरकार 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष के इस हथियार की धार कम कर सकती है। देश में बारिश का मौसम शुरू होते ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं तेज हो गई हैं। बुधवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में पंचायत उपचुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार 9 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान कराए जाएंगे। झारखंड में मानसून के आगमन से लोगों को जहां भीषण झुलसती गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर बारिश के दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आकर राज्य भर में एक दिन में 16 लोगों की मौत हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को अलग अलग मुद्दे पर बीजेपी पर जोरदार हमले किए। उन्होंने आंकड़ा बताते हुए कहा कि पिछले 5 महीने में 391 किसानों ने आत्महत्या की है, 3,152 लड़कियां राज्य के अलग अलग हिस्सों से गायब हो गई है। उन्होंने कहा कि जहां जहां सत्ताधारी मजबूत हैं, वहां वहां दंगे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है। देश के जिन ठिकानों पर सत्ताधारी पार्टी की ताकत नहीं है, उन्हीं ठिकानों पर दंगे हो रहे हैं। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।